हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन पटेल्स किचन मैं हूं मुबीना पटेल और आज है डे सेवंथ ऑफ रमादान यानी कि सातवां रोजा तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बनाएंगे हम लोग तीन रेसिपीज़ मतलब आज के इफ्तार मेन्यू में जो था उसमें से मैं आप लोगों के साथ तीन रेसिपी शेयर करूंगी तो चाइना ग्रास मैंने चार ग्राम ले ली है जो आधे लीटर दूध के लिए परफेक्ट होगी इसको मैंने भिगा करके रख दिया है दस मिनट के लिए भिगाना है तब तक मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर एक दूध ले लिया है 500 सौ आधा लीटर दूध ले लिया है दो टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी पाँच टेबल स्पून में इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी क्योंकि चाइना ग्रास जो मैं कुक करूँगी उसमें मैं अलग से शुगर नहीं ऐड करूँगी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर कम ज़्यादा कर सकते हो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैं इसे कुक होने के लिए छोड़ दूँगी तो कंटिन्यूस चलाते रहना है और इसे कुक कर लेना है और मेरी चाइना ग्रास भी अच्छे से सोख हो गई है आप देख सकते हो पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गई है और आ, फुल भी गई है तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड किया फ्लेम को ऑन किया और इसे भी बॉईल होने के लिए छोड़ दिया क्योंकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएगी क्योंकि मैंने इसको भिगा करके रखी है और कस्टर्ड भी कुक होने के लिए रखा है तो दोनों को मैं कंटिन्यूस चलाते रहती हूँ और दोनों को मैं कुक कर लेती हूँ तो कस्टर्ड भी थोड़ा थोड़ा थिकेंस होने लगा है मतलब गरा होने लगा है और चाइना ग्रास भी मेल्ट होने लगी है तो जैसे ही चाइना ग्रास मेल्ट हो जाती है और कस्टर्ड अच्छे से थिक हो जाता है घरा हो जाता है इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो तो मैं क्या करूँगी कि चाइना ग्रास को कस्टर्ड के अंदर ऐड कर दूँगी इस तरीके से तो ये वाली रेसिपी आपने अभी तक ट्राई नहीं की है तो ज़रूर ट्राई करना बहुत ही अच्छा कस्टर्ड बनता है चाइना ग्रास के साथ या फिर बहुत ही अच्छी चाइना ग्रास बनती है कस्टर्ड के साथ तो दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर और इसे मैं कुक करूँगी और बस मैं इसे एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूँगी आप कोई भी थाली वगैरह भी यूज़ कर सकते हो और थोड़ा सा सेट हो जाए तो इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से चॉप किए हुए नट सेट कर दूंगी मैं इसे अभी ऐसे ही रख देती हूँ और जब ये कंप्लीट ठंडा हो जाता है तो मैं इसको फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ दूंगी अब मैं ब्रेड पकोड़ा बनाऊंगी। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए मैंने आलू को बॉईल करके इसके छिलके उतार के मैश करके रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है और इसके अंदर राई और अजवाइन ऐड किया है तो मैंने अपने हिसाब से तीन चार आलू को बॉईल करके मैश कर लिया था अब मैं इसके अंदर करी पत्ता और हरी मिर्ची चॉप करके ऐड कर देती हूँ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी उबले हुए और मैश किए हुए आलू और अच्छे से मिक्स कर ते हुए उसको पका लूँगी थोड़ी देर के लिए ही कुक करना है बस दो पाँच मिनट अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो जाए तब तक इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी हाफ टी स्पून और एक टी स्पून जितना चाट मसाला ऐड करूँगी आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो और ये मेरी स्टफिंग ब्रेड पकौड़ा के लिए रेडी हो जाएगी आप कोई और चीज़ें इसके अंदर ऐड करना चाहते हो टकर सकते हो लेकिन मेरे लिए ये परफेक्ट है तो बस मेरा स्टफ़िंग रेडी हो जाता है तो मैं आपको बताती हूँ कि ब्रेड के साथ क्या करना है फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करना तो स्टफिंग मेरा रेडी हो गया है अब मैं क्या करूँगी कि ब्रेड की स्लाइसिस ले लूँगी इस तरीके से और उसके कॉर्नर्स निकाल दूँगी और सारे ब्रेड के ऊपर मैं इस तरीके से स्टफिंग को फैला लूँगी और जैसे सैंडविचेस बनाते हैं या ब्रेड पकोड़ा बनाते हैं वैसे ही सेम मैं उसको कर लेती हूँ तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करूँगी कि मैं टूथपिक्स ले लूँगी और इस तरीके से ब्रेड के अंदर लगा लूँगी तो मेरी ब्रेड की स्लाइसेस जो थी वो छोटे साइज़ की थी इसलिए मैं चार चार लगा रही हूँ अगर आपके पास बड़ी साइज़ के ब्रेड हो तो आप ज़्यादा कर सकते हो और इस तरीके से मैं चार चार पीसेस में कट कर लूँगी आप देख सकते हो तो इससे क्या होगा कि बाइट साइज़ के पकौड़े रेडी होंगे मतलब आप इसे फिंगर पकोड़े भी बोल सकते हो तो या फिर ब्रेड पकोड़ा फिंगर्स भी बोल सकते हो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है एक कप इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड किया है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड किया थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड किए थोड़े से धनिया पत्ती ऐड की कोरिएंडर लीव्स इससे अच्छा लुक आ जाता है पकोड़े के अंदर ग्रीन चिली पेस्ट ऐड की है एक टीस्पून जितनी और मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके मतलब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके मैं इसका बैटर बना लूँगी तो आप कंसिस्टेंसी चेक कर लेना बैटर की और इस तरीके से बैटर रेडी हो जाता है तो मैं इन पकौड़ों को डीप फ्राई कर लूँगी इस तरीके से जो हमने टूथ के साथ फिंगर्स बनाए हैं उनको बैटर के अंदर डिप कर लेना है और ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है तो आई होप आपको मेरी ये ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो, तो मतलब रेसिपी सेम ही है बस इस तरीके से करेंगे तो एक बाइट साइज पकोड़े रेडी होंगे और लुक वाइज भी अच्छे लगेंगे तो बस मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये रेडी है तो मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ और आगे मैं आपको बताती हूँ सेव पूरी की रेसिपी जो बहुत सिंपल है सेव पूरी की रेसिपी आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताई थी तो मैंने ये पापड़ी ले ली है उबले हुए आलू उसके ऊपर लगा दिए थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल किया ग्रीन चटनी इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की है इमली की चटनी इसकी रेसिपी भी शेयर की है धनिया पत्ती ऐड की और इसके ऊपर थोड़ी सी सेव ऐड कर दी आप चाहे तो इसके ऊपर आना डाना वगैरह से डेकोरेट कर सकते हो और मेरा इफ्तार का दस्तरखान रेडी है और इफ्तारी का टाइम भी हो गया तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी जो कस्तर चाइना ग्रास पुडिंग मैंने बनाया है वो कैसे बनाए तो फ्रेंड्स ये देखो अच्छे से, से सेट हो गया है और बहुत ही परफेक्ट बना है सॉफ्ट हुआ है इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं हुआ है तो आप लोग ट्राई जरूर करें आई होप आपको मेरी ये तीनों रेसिपीज़ अच्छी लगी होगी दुआओं में ज़रूर याद रखना सो दैट्स इट फॉर टुडे होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस थैंक यू अल्लाह हाफिज